नमस्कार दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं और आप कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको इस टाइप का एरर आता है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है। और नीचे आपका एरर आता है, डीएनएस सर्वर कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को आप फिक्स कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपका ये एरर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट वाले सेटिंग पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेटिंग पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, ठीक। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस का, सिंपली आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको और थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रीसेट एंड क्लीन अप, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आपका गूगल क्रोम बिल्कुल रीसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका रीसेट और क्लीनअप है, ठीक है। इसमें आपका दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको पहले वाले ऑप्शन को रीसेट कर लेना है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक। ये कुछ टाइम लेगा रीसेट होने में, आप वेट कर लेंगे और आपका क्रोम बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे आपका प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं हुआ है, ठीक। अगर ये फिक्स नहीं हुआ है तो मैं आपको सेकंड प्रोसेस और बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप अपना सीएमडी या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे किसी तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज सर्च के थ्रू ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक। यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। आपसे परमिशन मांगेगा, आपको यस कर देना है। तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका कुछ कमांड है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये पांच कमांड है जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहला कमांड है आपका आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिलीज, ठीक है। आप इस कमांड को चाहें तो कॉपी कर लेंगे, मैं आपको ये सारा कमांड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और ये कमांड हमारा एग्जीक्यूट कर गया। फिर आपको दूसरा कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो आप इसे कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे सिंपली जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इंटर हिट करना है, तो आपका ये दूसरा कमांड आपका एग्जीक्यूट कर गया है, ठीक है। फिर आपको तीसरा कमांड एग्जीक्यूट करना है, आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे और आप यहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। देन आप इंटर को हिट करेंगे तो आपका एक कमांड हिट तो आपका एक कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे तीसरा कमांड कॉपी करना है, फिर आपको यहां पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहां पे इंटर हिट करना है तो आपका तीसरा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर चौथा कमांड आपको यहाँ से कॉपी करना है, फिर आपको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है इंटर और आपका ये पांचवा कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। अब आपका लास्ट कमांड है, आप इसे कॉपी करेंगे, फिर आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इंटर। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला यू मस्ट रिस्टार्ट द कंप्यूटर टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस रीसेट, ठीक है। अगर आप रीसेट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे सिंपली एग्जिट कर लेना है, देन आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है। देन आपको चेंज एडेप्टर सेटिंग पे जाना है। ठीक, उसके बाद आपका नेटवर्क का विंडो यहां पे ओपन हो जाएगा। यहां पर आपका जो एक्टिव नेटवर्क है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। ठीक, यहां पर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस प्रकार का विंडो यहाँ पे ओपन होगा आपका।
यहाँ पर आपको ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे टिक लगा देना है अगर आपका लगा हुआ नहीं है। देन आपको यूज द फ्लोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेसेस पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में आपको डालना है 8888 और अल्टरनेटिव डीएनएस सर्वर में डालना है 8844, ठीक। डाल के आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आप सारे विंडोज को आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे सर, ठीक है। पीसी को रीस्टार्ट कर लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।